हेलो यार, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड रिपोर्टर। तो मैं बात करने वाला हूँ टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म। तो मैंने इससे पहले टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो बनाया है जिसमें टाइगर श्रॉफ के आने वाली सारे फिल्म्स के बारे में मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हो। मैंने कहा था कि टाइगर श्रॉफ लॉकडाउन के बाद एक फिल्म करने वाले, वो है नॉन टाइटल फिल्म। तो जी हाँ, गुरु के पीछे पीछे जा रहे शिष्य, यानी कि ऋतिक रोशन के बाद टाइगर श्रॉफ करने वाले उसी डायरेक्टर के साथ काम जिसके साथ ऋतिक रोशन ने किया था। तो सबसे पहले बता दूं कि टाइगर श्रॉफ अभी सिंगिंग करने वाले, जी हाँ, उनका सिंगिंग एल्बम आने वाला है। मैंने कल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म टाइगर श्रॉफ के एक एक्शन फिल्म होगी। हर पिक्चर में एक्शन होता है टाइगर श्रॉफ के, लेकिन ये अलग होगी क्योंकि ये फिल्म एक फाइटर के ऊपर होगी जो छोटे से जगह से निकल कर एक बहुत बड़ा फाइटर बन जाता है इंडिया का। उस पर ये फिल्म है। इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्वीन और सुपर 30 जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ विकास बहल की। उन्होंने बड़ी बड़ी दो फिल्मों को डायरेक्ट किया है, अंडर डॉग जिसे कहा जाता है, वो करने वाले टाइगर श्रॉफ के साथ काम। एक्शन पैक फिल्म है जिसका नाम बताया जा रहा है अभी, गणपत। तो इस फिल्म का नाम होगा गणपत, जो टाइगर श्रॉफ लॉकडाउन के बाद शुरू करेंगे। और कहा अब ये भी जा रहा है कि ये फिल्म दो पार्ट में बनने वाली, यानी कि गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2। तो इन दो पार्ट में ये फिल्म बनने वाली है, टाइगर श्रॉफ की फिल्म। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ मुंबई के रहने वाले एक लड़के होते हैं जो आगे जाके UFC या फिर MMA, मतलब कौन से एक फाइटिंग में जाके इंडिया का नाम करते, पता नहीं फाइटिंग कौन सी है, किक बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट है, लेकिन हाँ ये फाइटिंग फिल्म होगी जिसमें टाइगर श्रॉफ एक फाइटर का रोल करेंगे। और वो कैसे छोटे से बहुत बड़ा फाइटर बन जाता है, कितना बड़ा नाम करता है, उसी पे ये फिल्म होगी। और टाइगर श्रॉफ बहुत टाइम से जिम भी जा रहे हैं, एकदम पुल ऑन मसल करने के लिए, अपने बॉडी को और भी ज़्यादा तगड़ा दिखाने के लिए। तो मैं ये बता दूं कि इस फिल्म के बाद, यानी कि गणपत फिल्म के बाद, टाइगर श्रॉफ मार्च के आसपास हीरोपंती 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। और उसके बाद दिसंबर के एंड में रैम्बो की भी शूटिंग शुरू हो जाएगी रोहित धवन के साथ। रैम्बो का हिंदी रीमेक, यानी टाइगर श्रॉफ रैम्बो कर रहे हैं। उसके बाद टाइगर श्रॉफ बाकी के फिल्मों के भी अनाउंसमेंट मैं धीरे धीरे कर दूंगा। लेकिन आइए, 3 फिल्म टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म है। और भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय और जय हिंद।